मैं उन गोलकों को जूतियों नहीं मारूँ, लेकिन मैं नफरत की निगाह करके उनके सामने से गुजरूँ। इसलिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस रियासत में इसकी आज़ादी इसकी प्रॉस्पेरिटी की बात की, और वो लोग हैं जिन्होंने 84,471 मिलियन की रियासत को टुकड़े किया, 80,000 किलोमीटर होया और 4,000 किलोमीटर के अंदर एक हुकूमत शादी करके लोगों को ये तालीम देती है कि हमारा बहुत बड़ा कारनामा है। मैं कहता हूँ कि ये कानून नहीं है बल्कि ये लॉ है। दूसरी बात जो मैंने की है यहाँ पर हर हाल के बावजूद इसके कि इसका शोर है, फिर मैं कभी बात करूँगा, लेकिन आज की बात स्टेज पर मैं बता देता हूँ। दूसरी बात यह है कि जिस करारदार पर ये यकीन रखते हैं कि मसला कश्मीर का हल हम युवा में कश्मीर पर भी करारदार है, उसके मुताबिक हम मसला कश्मीर का हल जाते हैं। मैं कहता हूँ कि उस करारदार को हम नुकसान करते हैं, इसलिए कि उस करारदार के वतन में हमें एक सुबह से बना के एक शो ऊपर किया और उस पर टैग लगा दिया कि ये सुबह से भारत की जीत कर जा सकता है, पाकिस्तान भी जा सकता है। उस करारदार ने हमें एक नेशन ने कंसिडर किया, उसने कम्युनिटी ने कंसिडर किया, ज़्यादा दोस्त नमस्कार। तीसरी बात ये आज़ाद हुकूमत जिसको मैं एक तख्ते तौज कहता हूँ, सुनने का अंदाज करने वाली मुर्गी समझता हूँ, बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी समझता हूँ, उस पर कब्जा करने का हुनर जिस दौरे को आ गया है वो टोला आज़ादी के रास्ते में रुकावट है। इसलिए अगर रियासत का पाकिस्तान के साथ मुकम्मल हालात होता है तो ये तख्ते तौज उनके पास नहीं रहता, और अगर रियासत होती है फिर भी ये तख्ते तौज उनके पास नहीं आता, लिहाजा ये टोला हमारे रास्ते में चलता हो गया। ये इस पर आप कंसिडर करें, आप नौजवान बच्चे हैं, इस सियासत के इस नुकता नज़र को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। जब आप इसे कंटिन्यू करेंगे आपको आज़ादी की तरफ एक हज मिलेगा। मैं इसी पर आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपने मददगारों जो हमारे साथ थे, हमारे साथ उन्होंने जदोजहद की और एक मजबूत तौर के लिए जदोजहद की, मैं उन्हें अपने बेहतरीन अल्फाज में खराबे इज्जत पेश करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और आइंदा जब भी जलसा हो इस तरह की सिचुएशन नहीं होती है, क्योंकि ये दो अजियत हो जाती है, एक तो माइक का शौक और एक झगड़े का शौक, किसी के जहन में कोई अच्छी बात की कष्ट बात होती है। आइंदा इसका ख्याल रखें कि पुरान माहौल ताकि गुफ्तगू की जाए जो लोगों को अपील करेगी, मैं आपका कर दिया। बहुत शुक्रिया।